नेपाल से ज्यादा सनाथ कौन हो सकता? अनाथ वो है जिसका कोई नाथ ना हो, और नेपाल में पशुपत नाथ है, ये तो सनाथ है। नमस्कार दोस्तों, बागेश्वर धाम के पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री 3 दिवसीय दौरे पर नेपाल पहुंच चुके हैं और उनका आगमन काठमांडू एयरपोर्ट पर हुआ, जहां पर श्रद्धालुओं की काफी ज्यादा भीड़ मची थी। इस दौरान भक्तों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए और उनकी 3 दिवसीय राम कथा शनिवार से शुरू हो गई है। आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और क्योंकि नेपाल में भी हिंदू धर्म को फॉलो किया जाता है तो वहाँ पर उनको मानने वाले भी काफी लोग हैं। पहले ही दिन काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिली। साथ ही पंडित धीरेन्द्र ने कहा कि नेपाल के लोगों को अपनी भूमि पर गौरवान्वित होना चाहिए। यहाँ पर जन्म लेने वाले को अयोध्या नहीं जाना पड़ता, बल्कि अयोध्या के राम को यहाँ पर आना पड़ता है, क्योंकि ये माँ जानकी की भूमि है। बाबा बागेश्वर ने काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर जाकर दर्शन और पूजन भी किया। बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नेपाल के मशहूर उद्योग धराने चौधरी ग्रुप के बुलावे पर 19 से 21 अगस्त तक नेपाल में रहेंगे। इस दौरान नेपाल के बिटुवल नारायण घाट मार्ग पर स्थित सीजी इंडस्ट्रीज पार्क शाश्वत धाम देवचुली में वह राम कथा का बखान करेंगे। नेपाल में अपनी कथा के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि नेपाल के लोगों को अपनी भूमि पर गौरवान्वित होना चाहिए। यहाँ पर जन्म लेने वालों को अयोध्या नहीं जाना पड़ता, बल्कि अयोध्या के राम को यहाँ आना पड़ता है। नेपाल के लिए हम आज एक ही बात बोलना चाहेंगे, फिर हम जाएंगे आप लोगों की सामूहिक अर्जी लगाकर पशुपतिनाथ के दर्शन करने जाएंगे, ताकि नेपाल के रहने वाले सभी वासियों पर पशुपतिनाथ की कृपा बनी रहे और नेपाल हिंदू राष्ट्र रहे और सनातन की क्रांति यहां लहराती रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि नेपाल की भूमि माँ जानकी नगरी है, माँ जानकी की नगरी है। नेपाल भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे विश्व में सनातन का झंडा फहराने वाला राष्ट्र है। उन्होंने कथा के दौरान नेपाल आगमन के लिए हिंदू नेता वरुण चौधरी की प्रशंसा की और उनकी कथा 21 अगस्त तक चलने वाली है और इस कथा में भारी संख्या में भक्त पहुंचे हैं। तो ये थी हालिया भेंट जो कि निकल के आ रही है नेपाल और भारत से जुड़ी। क्या आप भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को फॉलो करते हैं और क्या अच्छा या बुरा आपको लगता है उनके बारे में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए NI News with शिवम।